मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ये अपने घर की हो जाए। देखो आज तुम्हें फैसला लेना है, अगर तुम इससे शादी करते हो तो ठीक है, वरना मैं इसका रिश्ता कहीं और कर दूंगी। कुछ अरसा थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बाबा का सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, प्रोफेशनली पर्सनली बहुत लोग उनको जानते हैं, तो बाहर नहीं मिल सकते, तो वी कैन नॉट रिस्क इट। जब भी मिलना होगा यहीं मिलेंगे और मैं खुद ही आऊंगा। यूं चोरी चोरी छुप छुप कर आखिर कब तक फैजी? मजबूरी है मेरी और अभी तो ऐसे ही चलेगा। तुम्हारी खातिर ऑफिस जाना छोड़ा यार मैंने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहाना किया और उसी बहाने मिलने आऊंगा, विल गेट टाइम। और सबको मैंने कह दिया कि जो भी पार्टीज होंगी गैदरिंग्स होंगी वो तुम्हारे घर पे होंगी, सो वी विल हैव फन। वैसे ऑफिस छोड़ के तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत बेवकूफी की है। सैलरी के बगैर तुम अपना खर्चा नहीं उठा पाओगे तो इसे कहां से दोगे? पहले भी तो एक कॉल पे पैसे भेज दिए थे, दोबारा भी भेज दूंगा, आप लोग मेरी जिम्मेदारी है तो परेशान मत। लेकिन हमें भी पता चले कि कहां से ला कर दोगे। वैसे ये मेरा मसला है लेकिन अगर आपको जानना ही है तो यूनिवर्सिटी के फी के बहाने, और जब बाबा को पता चलेगा कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करने वाला हूँ तो वो खुश हो जाएंगे, पॉकेट मनी बढ़ा देंगे। कह रहा हूँ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आई एम सॉरी फैजी, मगर अब मैं ये आंख मिचोली का खेल और नहीं खेल सकती। तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना होगा वरना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बाबा को भिनक भी पड़ गई ना कि तुम वापस आई हो, जानती हो ना क्या होगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नताशा को डिसोन करने का डिसीजन लिया है उन्होंने, इमेजिन करो कि मेरे साथ क्या करेंगे। फैजी तो क्या हम सारी जिंदगी उन चोरों की तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? क्या व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड प्लीज, मेरी बात तो सुन नहीं रही, आप समझाएं इसको। पहले तुम मुझे समझाओ, बाद में इसे समझाते रहना। और सुनो, तुमने मेरी बेटी को इतनी गई गुजरी हुई समझा हुआ है? क्या चाहते हो तुम, तुम्हारे इंतजार में सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहे? अरे अभी भी इसके लिए एक से एक रिश्ता है, और दुबई में तो कई रिश्ते आए थे इसके लिए, और सेठ रजाक खुद दो दफा मेरे घर पहुंच गए अपने बेटे का रिश्ता लेकर, लेकिन इसने तो ये कह के मना कर दिया कि मैं अगर जिंदगी में शादी करूंगी तो फैजी के साथ, वरना किसी के साथ नहीं। I know, पर बस मैंने सुन ली तुम्हारी दास्तानें और तुम्हारी मजबूरियां, मेरे कान पक गए। बस अब तुम्हें फैसला करना है तुम्हारी जिंदगी में कौन ज्यादा अहम है, रमशा या हादिया। और अगर तुम कोई फैसला नहीं कर सकते तो हमेशा के लिए से खुदा हाफिज कह दो। मैं इसको नहीं छोड़ सकता एंड यू नो दिस। तो तुम भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, सारी दुनिया में मेरे अलावा रमशा के पास कोई भी नहीं है, कोई इसका वाली वारिस नहीं है। पर खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो इसको कौन देखेगा, कौन उसका वाली वारिस होगा? मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ये अपने घर की हो जाए। देखो आज तुम्हें फैसला लेना है, अगर तुम इससे शादी करते हो तो ठीक है, वरना मैं इसका रिश्ता कहीं और कर दूंगी। देखिए जहाँ इतना इंतजार किया है थोड़ा और सही प्लीज। हादिया को अभी छोड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है और मैं ये नहीं कर सकता, और आप दोनों को ये बात समझनी होगी प्लीज। चलो खाना खाओ, ये डालो ना सालन, लो पानी डाल दूं? नहीं ठीक। Assalamualaikum, please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.